इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी के बांदा में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो नदियों का अस्तित्व खत्म करने पर ही आमदा हो गए हैं। जहां एक तरफ पोकलेन मशीन लगा करके बीच नदी से नदी की जलधारा को प्रभावित करके बालू निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर खनन किया जा रहा है। तो वहीं अब इसके अलावा खनन माफिया नदी को खत्म करने पर ही उतारू हो गए हैं। बीच नदी में पुल बना करके ट्रकों और ट्रैक्टरों को बीच नदी से बालू भराकर निकासी करा रहे हैं, जिससे कि हजारों प्रजातियों के जलीय जीव खत्म हो रहे हैं और नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। सो अलग आपको बता दें कि अवैध खनन के लिए नदी में पुल बनाने का मामला सामने आया है। अरतरा तहसील क्षेत्र के महुटा गांव में यहां पर एक मोरंग की खदान का पट्टा किया गया है। खनन के नाम पर जहां ठेकेदार द्वारा नदी की बीच जलधारा से मोरंग निकाली जा रही है, तो वहीं नदी का स्वरूप बदल दिया गया है। ट्रकों की निकासी के लिए नदी के इस तट से उस तट तक के लिए पुल बना दिया गया है। सीमेंट, बालू, मिट्टी, पत्थर और ईंट डाल करके अवैध पक्के पुल का निर्माण किया गया है। पुल भले ही अभी चंद दिन के लिए बनाया गया हो, लेकिन आसपास के ग्रामीणों और गांव के लोगों को नदी के अस्तित्व का भय सता रहा है। असलहे व गुर्गों के भय से ग्रामीण ऐसे माफियाओं का विरोध भी नहीं कर पाते हैं। जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल की बड़ी कार्रवाई करने के बाद अब यहां के स्थानीय लोगों को भी आस है कि जिलाधिकारी कोई कड़ी कार्रवाई करेंगी और बागे नदी का अस्तित्व बचाने के लिए जिला प्रशासन आगे आएगा। बनाया गया है नदी में पत्थर, सीमेंट की बोरिया, बालू भर के, रेती भर के डाल दिए, पुल बना दिए। तो बीच नदी में क्या कभी ऐसा पुल था? किस तरह से गहराई है नदी की? ये खनन माफियाओं का काम है, ठेकेदार है, वो तो बालू निकालने के लिए बना लिया। कौन सा गांव है ये? महुटा है, अतरदा थाना, तहसील अतरदा। नदी के उस पार से खनन हो रहा है, इस पार भी खनन हो रहा है, क्या पट्टा इतना बड़ा पट्टा दिया गया, कैसे क्या? ये लगभग 3 किलोमीटर के रेंज में खनन हो रहा है, इधर भी है, आगे भी है, आगे कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे तक खनन हो रहा है। अब पट्टा इनका कहाँ तक है, ये तो ये लेखपाल जाने, ये तो कानून को, ये तो डीएम जाने। लेकिन पुल बनाना कहाँ तक सही है? पुल तो अवैध है, कहाँ मैनुअल में है इनके? पुल तो अवैध ही बना रहे हैं लोग। होगी जल जीव तो खत्म हो जाते हैं, जहाँ पीपा पुल बना उस पार इस पार हो नहीं पा रहे, वहीं के वहीं रह जाते हैं। कहीं कहीं तो भैंसे वगैरह जो किसान लोगों के धोने या पानी पीने के लिए, तो सब बंद हो चुका है, अवैध है। अब कोई कह भी नहीं सकता, माफिया है एक तरह से, गाली गलौज करते हैं इनके गुर्गे जो पाले रखे हैं। तो ये बागी नदी है, अगर इस तरह से पक्के पुल बनाए जाएंगे, पीपा का पुल भी नहीं पक्का पुल है, तो उस पर पुल धोखा रीति से बना, तो ऐसे पुल से तो नदी ही खत्म हो जाएगी? नदी तो खत्म ही हो जाएगी। अब क्या है, कोई सुनता भी तो नहीं है, डीएम वगैरह आके चले भी गए, आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। कब से पुल बना हुआ है लगभग? ये लगभग 3-4 दिन हुए, बीच में खत्म हो गया था, फिर है बनाया, पहले भी 10-15 दिन पहले बना था, ये बीच में खत्म करके फिर बना लिया। ये कौन सी तहसील लगती, कौन सा खदान पट्टा है? थाना अतरदा, तहसील अतरदा, ग्राम महुटा, महुटा खदान है। छाया, ये कौन सी नदी है, कौन सा गांव है? ये महुटा गांव है, ये बागी नदी है। ये नदी में ये पानी का धीमा बह रहा है, ये पुल कैसे बना हुआ है? ये पुल बना है। कब बन गया था? 3 दिन हो गए है ना, 4-5 दिन, 4-5 दिन हो गए। तो ये पुल कैसे बना है, इसमें क्या निकलते, ठेला निकल जाते हैं क्या, इस पार से उस पार निकल जाते हैं? और पहले कैसे जाते थे तुम लोग उस पार? पहले पैर से जाते थे। तो गहराई थी खूब, दांत थे तोड़ने लगे। अच्छा, तो कहे का पुल बना है ये? ये ठेला के आने के लिए, जाने के लिए बना। दिन भर निकलते हैं कहे के, बारू से भर के? तो अब तुम उधर जा सकती हो पैदल? ऐसे गई हो एक बार? हम 3-4 दो हो यार, थोड़ी दूर। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।